नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मकर राशि वालों, दोस्तों दुख दर्द की गठरी भर चुका है। 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच आप सभी के जीवन काल में एक महिला आपकी जिंदगी राजाओं जैसी बना देगी। जी हाँ दोस्तों, यह बात को आप बिल्कुल ही मजाक समझने की गलती ना करें कि दोस्तों हर एक छोटी सी चीज में कोई न कोई संकेत अवश्य रहता है। और इन 10 दिनों की समयावधि में भी माता का संकेत शिविर के जीवन काल में कई प्रकार के बड़े चमत्कार करने वाले हैं। तो दोस्तों हम आप शिविर से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन 10 दिनों की समयावधि में आप शिविर के जीवन के इतिहास बदलने वाले हैं। जी दोस्तों, इन 10 दिनों में आप शिविर के जीवन काल में वे बड़ी घटनाएं होंगी जिन्हें जानकर दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपके जीवन काल से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों इन 10 दिनों के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं होंगी, आखिर यह देवी महिला आपके जीवन काल में किस प्रकार आएंगी, कौन से संकेत आपको देने वाले हैं और कौन कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन काल में कर जाने वाले हैं। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव, कौन कौन से बड़े चमत्कार करेंगे, इन्हें सभी की विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही आज में आपको कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान भी रहने होंगे और कौन कौन से कार्य आज में आपके लिए भाग्यशाली होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी अपनी माँ बाप से सच्चे प्रेम करते हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर सद रहेगा। तो आइए दोस्तों इसके साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से जो कि यश में आपको ध्यान में रखने हैं। जी दोस्तों, दोस्तों इनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन्हें गौर से सुनिएगा कि दोस्तों कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपके भी जीवन काल में कोई समस्याएं चल रही है तो दोस्तों एक ना एक दिन उनका हल अवश्य प्राप्त होगा, बशर्ते आपको अच्छे कर्म करते जाना है। तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि यह एक देवी महिला अगले 10 दिनों के अंदर 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच आप शिविर के जीवन काल में क्या क्या बदलाव करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में कुछ पुराने मतभेद दूर होंगे तथा आपसी संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। आपको बता दें कि यश में जमकर मेहनत करने का समय होगा और सफलता भी निश्चित है। दोस्तों आपके विनम्र स्वभाव से आपकी लोकप्रियता तथा साख में भी यश में वृद्धि होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी समय थकान व फिर तनाव की वजह से आप में नकारात्मक विचार भी हावी हो सकते हैं, लेकिन आपको यश में अपने मनोबल द्वारा उस पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। इनमें आप यश में सक्षम रहेंगे। दोस्तों कुछ समय से आध्यात्मिक गतिविधियों में भी समय को व्यतीत करें तथा अपनी बनाई हुई नीतियों पर भी कार्य करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इस उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी परिस्थितियों में मनचाहा बदलाव न देख पाना आपके लिए चिंता का कारण भी हो सकता है। अधिक चिंता के कारण आप अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। जो बातें आपके पक्ष में हैं उनका अधिक फायदा उठाने की यश में कोशिश करें और जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है ऐसी बातों को अभी अधिक महत्व न देते हुए आपको काम को करते रहना चाहिए, अपने भविष्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनोगे। आपको बता दें कि दोस्तों यश में खर्चों की स्थिति बनी रहेगी परंतु आय के स्रोत भी यश में बेहतर होने वाले हैं। इससे दोस्तों खर्चों की परेशानी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि संतान की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना उनके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। तो दोस्तों जरूर यश में आप उन पर ध्यान दें, उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनका मदद करें। इसके साथ दोस्तों यश में दिन की शुरुआत में कुछ कार्यों में रुकावट आने से टेंशन रह सकती है, परंतु आपको बता दें कि धीरे धीरे सब समान हो जाएगा। यह शुभ सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा, तो इन पर ध्यान दें। भाइयों के साथ भी संबंध मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए आपके प्रयत्न और अधिक बढ़ाने होंगे। आपको बता दें कि अभी आप
खुद के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। इसकी वजह से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का फर्क करना आपके लिए आसान रहेगा। आपको बता दें कि परिवार के साथ संबंध ठीक बनाने की यश में आपको कोशिश करना चाहिए, ये आपके लिए भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके साथ दोस्तों, बच्चों की गलतियों में उन्हें डांट फटकार के बजाय प्यार से समझाने का प्रयत्न करें, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्वभाव को सरल व मधुर बनाकर रखें। कठोरतापूर्ण व्यवहार से इसकी वजह से समाज में आपका जो है छवि इसमें बिगड़ सकती है या फिर आपकी छवि में इसमें आँच आ सकती है। तो दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन संबंधी सभी बातों में किस तरह से संतुलन बनाए जाए, इस पर आपको विचार करना चाहिए और ये आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। आपको बता दें कि दोस्तों, अधिक विचार न करते हुए अपनी कृति करने में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए मन में बढ़ रहे नकारात्मक विचारों की वजह से आपके खुद के प्रति ही नकारात्मकता बढ़ रही है। तो दोस्तों, इन पर आपको इसमें रोक लगाना चाहिए, सकारात्मक विचारें आपके अंदर जो है लाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इसमें आप मेडिटेशन पर जरूर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में आपके बढ़ने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपको बता दें कि ग्रह गोचर इसमें आपको कोई बेहतरीन उपलब्धि भी देने के लिए तत्पर है। मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ तो अपना भावनात्मक लगाव रखें। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी नजदीकी व्यक्ति की समस्या को हल करने में आपका काफ़ी समय व्यतीत भी होगा और ऐसा करने से आपको आत्मिक खुशी और अनुभूति भी होने वाली है। आपको बता दें कि कोई शौकपूर्ण समाचार मिलने से मन में उदासी रह सकती है। दोस्तों, कुछ समय धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी समय को व्यतीत करें, इससे आपको सुकून मिलेगा। युवाओं को अपने करियर संबंधी किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने से दोबारा प्रयास करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि पैसे संबंधित यदि कोई व्यवहार हुआ है तो दोस्तों, उससे जुड़े कागजात को इसमें संभाल कर रखिए। फिलहाल आप जरूरत से अधिक कठोर बन रहे हैं, जिसकी वजह से करीबी संबंधों में भी दरार आपको नजर आएंगी। आपको बता दें कि अपने अंदर बढ़ते हुए गुस्से को काबू में रखने की इसमें आपको कोशिश करना चाहिए, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय होंगी। आपको बता दें कि अगर व्यवसाय में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों, तुरंत ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दें। ये जो समय होंगे आपके लिए लाभदायक साबित होगा, ये निवेश आपके लिए लाभदायक साबित होगा। नौकरी संबंधी भी कुछ संभावनाएं आपके लिए सामने आने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि समय व्यर्थ किए बिना तुरंत इन्हें हासिल कर लें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें व्यवसायिक कार्यों में ग्रह स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इसलिए दोस्तों, शांतिपूर्ण तरीके से समय को व्यतीत करें, सावधानियों को बरतते हुए आगे बढ़ें, तभी जाकर आपकी सफलता में कोई आँच नहीं आने वाली है। आपको बता दें कि किसी भी कार्य में पैसा निवेश करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा जरूर लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। भावुकता में आकर बिना सोचे समझे कोई भी जो है दूसरों की योजनाओं पर अनुसरण करना आपके लिए इसमें गलत रहेगा। तो दोस्तों, इन पर आप सावधानी बरतें, ये आपके लिए आपके करियर के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि वो कार्यस्थल पर सभी कार्य अपनी निगरानी में ही करें या फिर अपनी निगरानी में करवाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, इसमें स्टाफ आदि पर जो निगरानी रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यवसाय में भी इसमें अच्छा मुनाफा होने की संभावना बन रही है। नौकरी में अच्छे कार्यों में प्रगति होगी। दोस्तों, इसमें आप उनमें लापरवाही ना बरतें, किसी प्रकार की इंक्वायरी होने की आशंका बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके करियर के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, यह समय कर्मचारियों से संबंधित कोई समस्या दूर हो सकती है। अगर कोई नया व्यापार या फिर नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर शुरू करने जा रहे हैं तो अत्यधिक मेहनत के बाद ही आपके काम बनेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, हिम्मत ना हारें तथा प्रयास करते रहें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का माहौल जो खुशनुमा बनाकर रखने में आपका इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों, यह समय पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। किसी अन्य व्यक्ति के कारण प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। तो दोस्तों, यश में अपने प्रेम संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें,
ये आपके लव लाइफ के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों पारिवारिक वातावरण इसमें खुशनुमा बना रहेगा, परंतु घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर इसमें चिंता रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में प्रेम संबंधों में नैतिकियां तो बढ़ेंगी, अविवाहितों के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता इसमें आने की उम्मीद बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके हेल्थ की, तो दोस्तों यश में बीपी या फिर डायबिटीज लोग अपनी नियमित जाँच जरूर करवाएं, लापरवाही करना आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों यश में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत स्वास्थ्य आपका अंत में उत्तम होगा अगर आप सावधानियों को बरतेंगे, वैसे दिनचर्या रख कर आप और अधिक इसमें स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें।